19 सितंबर को होने वाले जेपीएससी झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को कोडरमा जिला अंतर्गत शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक एवं वरीय दंडाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में परीक्षा के दिन एवं परीक्षा से पूर्व किए जाने वाले कार्यों दायित्वों के संबंध में विस्तार से बताया गया। बैठक में उपायुक्त ने सभी विद्यालय के प्राध्यान अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोडरमा जिला में यह परीक्षा आयोजित होना हमारे लिए एक अवसर है। परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने में हम सभी की भूमिका काफ़ी अहम होगी, इसलिए हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल किए जाने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई परीक्षा केंद्र में मोबाइल लेकर आते हैं तो उनके संधारण की व्यवस्था अलग से करें। उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी परीक्षा केंद्र में किसी अभ्यर्थी में कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं तो उनके परीक्षा में बैठने के लिए अलग कमरे की व्यवस्था की जाए, उन्हें परीक्षा से वंचित नहीं करना है। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों, वीक्षकों व परीक्षा संचालन से संबंधित सभी लोगों की जांच थर्मल स्कैनर से सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्र की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन कराना परीक्षा के पूर्व सुनिश्चित करने, दोनों पालियों में ससमय प्रश्न पत्रों व ओएमआर सीट की सीलिंग, परीक्षा केंद्र में उचित प्रकाश, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था का निर्देश सभी प्रधानाध्यापकों को दिया गया। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी का संधारण सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को तथा प्रत्येक केंद्र में वीडियोग्राफी की व्यवस्था के लिए नजारत उप समाहर्ता को निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त ने केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा निर्देशिका के संबंध में सामान्य निर्देश, केंद्र पर उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री की चेकलिस्ट, वास्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु विशेष निर्देश, अभ्यर्थियों को बैठने की व्यवस्था, केंद्र अधीक्षक अनुदेश, कोविड 19 के संबंध में अनुदेश एवं केंद्र अधीक्षक के परीक्षा पूर्व के कार्य, केंद्र अधीक्षक के परीक्षा के दौरान कार्य, प्रश्न पत्र प्लानर, उत्तर पत्र प्लानर, वीक्षक हेतु अनुदेश, वीक्षक रिपोर्ट, नो रिलेशन सर्टिफिकेट, रूम चार्ट, प्रश्न पत्र के पैकेज खोले जाने संबंधी अनुदेश एवं वीडियोग्राफी के संबंध में सामान्य अनुदेश, परीक्षार्थियों हेतु सामान्य निर्देश समेत अन्य निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। आपको बता दें कि जेपीएससी की परीक्षा को लेकर जिले में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा, अराजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय कोडरमा, सिटी गर्ल्स हाई स्कूल झुमरी तिलैया, सीएच प्लस टू हाई स्कूल झुमरी तिलैया, गांधी हाई स्कूल झुमरी तिलैया, PBSS DAV पब्लिक स्कूल झुमरी तिलैया, ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तिलैया, सेक्रेट हार्ट स्कूल झुमरी तिलैया, मॉडर्न पब्लिक स्कूल झुमरी तिलैया, जे कॉलेज झुमरी तिलैया, कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर झुमरी तिलैया, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज कोडरमा, रामलखन सिंह यादव इंटर कॉलेज झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया कॉमर्स इंटर कॉलेज करमा, संत क्लेयर्स स्कूल लोकाई, मेरेडियन एकेडमी गुम्मो, ग्रिजली विद्यालय तिलैया डैम इंटर कॉलेज डोमचांच, बैजनाथ प्रसाद स्नेही कॉलेज ऑफ एजुकेशन डोमचांच व झुमरी तिलैया कॉमर्स कॉलेज करमा शामिल हैं। आज की बैठक में उपायुक्त सहित पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा, अपर समाहर्ता अनिल तिर्की, परियोजना निदेशक नेल्सन एयोन बागे, अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अलका जायसवाल, सुरेंद्र पांडे, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शिवनंदन बड़ाई, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित सभी केंद्रों के केंद्र अधीक्षक, केंद्रों के स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।